हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी देंगे जो कि फ्रेंड ANM नर्स के लिए नई रिक्वायरमेंट आया हुआ है। सभी राज्यों से कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हो। चलिए पूरा डिटेल्स जानकारी देते हैं कि अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टोटल सीटों की संख्या कितनी है। तो चलिए नोटिस पर और पूरा डिटेल्स जानकारी वहाँ से कम्प्लीट करते हैं। फ्रेंड ये नोटिफिकेशन देख सकते हो, अगर आप लोग ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखे हो तो बिल्कुल रूप से देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारामेड राजस्थान की तरफ से ये रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। आपको हम पूरा डिटेल्स इसमें दिखा देते हैं। फ्रेंड्स बता दूं कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से 3-4 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो GNM के लिए भी टोटल 116 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, लेकिन सिर्फ हम आपको ANM के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर कर देते हैं। फ्रेंड्स बता दूं कि ANM के अगर आप लोग अपना आवेदन करना चाहते हो तो ANM के लिए बहुत बड़ी वैकेंसीज 237 सीटों के लिए आप लोग यहां से अपना आवेदन कर सकते हो। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो ANM पास आउट कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जो स्टूडेंट ANM का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हो, ANM का कोर्स कर लिए हो, बिल्कुल रूप से अपना यहाँ पर कोर्स कम्प्लीट है तो आवेदन कर सकते हो 237 सीटों के लिए। साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में होना है। साथ ही फ्रेंड्स मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र एक अन्य उप श्रेणी संबंधित दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट यहां पर राजस्थान राज्य के हैं उसका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो जाति का छूट लेना चाहते हो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो कैंडिडेट विवाह कर चुके हैं, शादी कर लिए हैं, उसका शादी का प्रमाण पत्र होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। जो कैंडिडेट दूसरे राज्य से हो तो वहाँ पर वो जनरल कैटेगरी में अपना आवेदन करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में ट्रांसफ़र पहले कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। तो दूसरे राज्य के कैंडिडेट अपना आवेदन करने से पहले ट्रांसफ़र करवा लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर अपना आवेदन नहीं कीजिएगा। तो ANM के ये नई रिक्वायरमेंट था। अब आपको इसके लिए कैसे कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोग को 9 मई से 13 मई के बीच अब आप लोग डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर अपना हाथों हाथ आवेदन जमा कर सकते हो। आवेदन जमा करने के एड्रेस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारामेर, यहाँ पर ये एड्रेस है। इसी एड्रेस पर आप लोग जा करके या तो हाथों हाथ जमा कर दीजिए या फिर यहाँ पर डेट जारी किया गया है 9 मई से 13 मई के बीच डाक के द्वारा, या फिर हाथों हाथ अपना जमा कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर आप लोग यहाँ पर जॉब लेना चाहते हो तो बिल्कुल रूप से इस रिक्वायरमेंट के लिए अपना आवेदन कर दीजिए। और राजस्थान स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड ANM GNM के नई रिक्वायरमेंट वाला वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड हर जानकारी आपको इस चैनल पर सबसे पहले और टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। अब आपको फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रिक्वायरमेंट वाला वीडियो को लेकर के। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, थोड़ा फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए बहुत सारे नई नई वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे से काम कर सकूं। थैंक यू।